यहाँ पे फातिमा कुछ ज्यादा ही मुझे लगता है आपको डरा रही है, ज्यादा नहीं मुझे लगता है, पठानिया है। तो फातिमा लोग पूछ रहे हैं कि वेट लॉस के बारे में पूछ रहे हैं, बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं। एप्पल सीडर इज द बेस्ट, लेकिन वो खट्टा होता है, उससे गला खराब हो जाता है। बस अब फिर यही है कि उसके अंदर ना आप लोगों ने शहद मिक्स कर ले, मेरा बल का है, और वो पिए। अच्छा, तो आप लोगों ने ना उसमें एप्पल साइडर कह लें, साइडर कह लें, सीडर कह लें, अगर आपको बोलना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, सिरका कहें, सिरका। लेकिन एक और भी है, अर्के मैजल भी पी रही हूँ, उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, अर्के मैजल उसका तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये कि एप्पल साइडर इज द बेस्ट। उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद बनाना है, थोड़ा सा, और उसको मिक्स करके खाली पेट, निहार पेट रोज पीने, आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाएगी। एक और दूसरा भी तो था, उग जाएंगे आपके अपने तो डार्क सर्कल नहीं उड़े, बाल आपके लंबे जाएंगे, क्योंकि मैं पी नहीं रही क्योंकि मेरा गला खराब है, मसला नहीं है, वो पी सकते। हाँ जी, तो मैंने तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया भाई, अल्लाह हाफिज बोल दिया, बायकॉट कर दिया, क्योंकि वैसे भी कॉक जो है वो इसराइली है। तो और आपको कैसे लगा एंड, कभी मैं कभी तुम का आप लोग जरूर बताइएगा मुझे। उसका एंड देखने गई थी सिनेमा में, यस, फाहद मुस्तफा से भी मिली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। मेरा हाथ नॉट स्टैंड, ये है हमारी बाइक और अब हम जो है वो आगे जा रहे हैं। हम लोगों को कुछ चीज़ें ख़रीदनी है, बिया को सरप्राइज़ देना है, क्योंकि उसकी वीडियो बिलबोर्ड पे आ गई है, तो उसको सरप्राइज तो देना बनता है। सो लेट्स गो फॉर द सरप्राइज। सो गाइस, हम लोग इस वक्त जेडो के बाइक खड़े हैं और हम लोग जो है अंदर जाने वाले हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और आपसे मिलती हूँ अंदर जाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बियाम मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज के व्लॉग में फाइनली फ़न है, मस्ती है और ढेर सारा तूफान भी है। और हम लोग कैसे ग्रेवयार्ड गए ये भी आप लोगों को इसी व्लॉग में पता चलेगा। और वहाँ पे आप लोगों को बताऊँ, सच में वहाँ पे कोई अननोन सी एंटिटी मौजूद थी, और आप लोगों को इसी व्लॉग में वो पता चलेगा। तो ये है मेरी आज की ओवरऑल लुक, तुमने तो चैनल पे लगानी है। सो गाइस, ये है फातिमा की ओवरऑल लुक। आप अपनी जो है वो बाजुओं की डिटेलिंग बताएंगी लोगों को, कैसे बनवाए हैं, चुन्नट कैसे डलवाई थी, 1 2 3 4 ये सारे जो हैं इस तरह के बाजू बने हुए हैं, ठीक है, वेरी प्रिटी। और ये है जूता, जूता तुम्हारा माइयों वाला चूह है, अम्मी का है, अम्मी का जूता पहन के आई हुई हो, वेरी प्रिटी। अच्छा, लोग कह रहे थे आपके साथ जो दूसरी लड़की गर्ल होती है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। आई एम मैंने किया हुआ है मास्टर इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, और हाँ एडिटर मैनेजर और प्रोड्यूसर, वो तो मैं हूँ, सारा काम मैं करती हूँ, कंटेंट देती है मैनेजिंग ऑल द प्रॉब्लम। अच्छा, लोग ये भी पूछ रहे हैं कि आपकी स्किन से ज़्यादा उसकी स्किन ज़्यादा मतलब अच्छी है, आपकी स्किन में एक्नी है। अगर आपने मेरी स्किन वैसी स्किन करनी है ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन ले। ये आप लोगों को पॉजिटिविटी में लेके जा रही है, नेचुरल है, जीन्स में है। नहीं, लोगों ने आप मेरी स्किन की भी तारीफ की है, लेकिन आपकी स्किन की ज़्यादा की है। मैं कुछ भी नहीं लगाती जीन्स की, आपकी जीन्स आपके बाल। अच्छा, वो जो एक पाकिस्तानी प्रोडक्ट आया है बॉर्टिन, वो आप क्या अगर रिकमेंड करेंगे? नहीं, जब तक आपको डॉक्टर ना आना कि आपको कुछ भी लेने को, कोई सप्लीमेंट मत लें, आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो यानी कि वो बायोटीन की तो पाकिस्तानी ब्रांड है, जो भी है डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप में कोई कमी है या नहीं है ये पहले आप अपने डॉक्टर से पूछें, फिर ले सप्लीमेंट्स, क्योंकि सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अच्छा, नेचुरल चीज़ें खा लें, फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स लें, दूध पिए, बादाम खाएं। अच्छा, लोग ये भी कह रहे हैं कि आप इतनी अच्छी एडिटर हैं तो आप ड्रामों में काम क्यों नहीं कर रही? ड्रामे बस वहाँ जिस वक्त जैसे भी इसमें नज़र आएगी उनके ड्रामे में एज अ प्रोड्यूसर के तौर पे। नहीं, प्रोड्यूसर बनना
नहीं कहानी लिख सकती हैं, बना सकती हैं, लिख सकती हूँ, रोज़ लिखती भी हूँ, देखो क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कि आप ड्रामा बनाएं। बस अब मैंने आगे ड्रामे बना लिए, तीन तीन चार चार घंटे के, बस आप देख लीजिए उस ड्रामे में क्या होगा। तो यहाँ पे हो चुकी है मेरी फातिमा के साथ छोटी मोटी सी चिट चैट, थोड़ी सी आवाज़ उसकी कम आ रही है, आप वॉल्यूम बहुत ज़्यादा अप करके सुनिएगा। तो आपके कैसे जा रहे हैं दिन? फाइनली व्यूवर्स, सर्दी ने आन के दावत दे दी, सर्दी आ ही गई है, आ रही है, होली होली आ रही है, यानी कि बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता आई है बट आ गई है। और आई मतलब कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है क्योंकि आई लव सर्दियाँ, बट डे के लिहाज से कि जो दिन जो है ना वो बहुत छोटी छोटी जल्दी 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 ख़त्म हो जाता है। नमाज़ों का टाइम बहुत ज़्यादा साथ साथ हो गया, यहाँ से जोहर, यहाँ से असर, फिर थोड़ी थोड़ी सी देर मिलती है, फिर मगरिब, फिर उसके साथ ही ईशा। तो बट यार नमाज़ें तो पढ़नी ही होती हैं, इबादत अपनी जगह, फ़न अपनी जगह, मस्ती अपनी जगह और बिलोंगिंग अपनी जगह। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे ये कहते हैं काश हमारी ज़िंदगी आप जैसी होती। आप देखें जो कुछ भी आपने अल्लाह ताला से मांगना होता है ना, सोच समझ के अल्लाह ताला से मांगा करें, ऐसे मत कह दिया करें कि किसी को भी आप देखते हैं तो आप लोग ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार इसकी लाइफ बहुत अच्छी है और काश मेरी ज़िंदगी ऐसी होती। आपको बिहाइंड द कैमरा की स्टोरी कोई कुछ नहीं पता, आपको सिर्फ नज़र आ रहा है कैमरा के कैमराज में जो चल रहा है, ठीक है, वो आपको नज़र आ रहा है और आप उसको देख के अल्लाह ताला से ये दुआ कर लेंगे ना कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाए। तो अल्लाह ताला हमारे से बहुत प्यार करते हैं, वो हमें वही देते हैं जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो किसी को भी देख के वैसी लाइफ की मत मांगे क्योंकि उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसने अपनी ज़िंदगी में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी तकलीफ़ें देखी हैं, कितने दुख देखे हैं और वो सिर्फ आपके सामने मुस्कुरा रहा है। तो इस डजेंट मीन इट्स रियल हैप्पीनेस, इट डजेंट मीन इट्स रियल स्माइल। हम आपको खुश करते हैं, एंटरटेन करते हैं, लेकिन इसके पीछे की कहानी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो हमें देखकर आप अल्लाह ताला से ये मत मांगा करें कि अल्लाह ताला मेरी हमारी ज़िंदगी भी ऐसी हो जाए, ऐसा मत सोचा करें। आपकी ज़िंदगी शायद मेरी ज़िंदगी से बहुत बहुत बेहतर होगी और मे भी आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ मौजूद हो जो मेरी लाइफ में बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तो फिर आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, ट्रस्ट मी अल्लाह ताला उन्हें बहुत देते हैं। और लाइफ में सब्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा ये कि स्ट्रगलिंग करते रहें, हार कभी भी मत माने क्योंकि आपको नहीं पता कि कब अल्लाह ताला आपको आपकी सब्र का फल दे दें, ठीक है। सब्र का फल इंसान को इस दुनिया में ज़रूर मिलता है, जो लोग सब्र करते हैं इस यकीन के साथ कि एक दिन अल्लाह ताला उनके सब्र का फल उन्हें ज़रूर देगा। तो ट्रस्ट मी सब्र का फल मिलता ज़रूर है। हाँ, इट्स टेक्स ईयर्स एंड ईयर्स फ्रॉम योर लाइफ एंड इट्स टेक लॉट ऑफ स्ट्रगल फ्रॉम योर लाइफ, बट आपको सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। अल्लाह पे यकीन कभी मत छोड़ें, अल्लाह ने आपको फल ज़रूर देना है। इंसान इंसान को कुछ नहीं दे सकता सिवाय तकलीफ़ के, सिवाय दुख के, सिवाय नफ़रत के, लेकिन अल्लाह ताला इंसान से बहुत मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला तो अपने बंदे का रोज़ इंतज़ार करता है। जैसे कि अजान में एक लाइन है, हय्याल फला, आओ फला की तरफ, यानी कि हय्याल्सला, आओ नमाज की तरफ, ठीक है, ये लाइनें हैं दो। तो अल्लाह ताला तो अपने बंदे का रोज़ इंतज़ार करता है, बस हम बंदे ही गाफल होते हैं जो जाते नहीं अल्लाह की तरफ, बंदों के पीछे अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो नेवर इन्वेस्ट योर टाइम एंड यू नेवर इन्वेस्ट योर जो है ना अपनी फीलिंग्स रॉन्ग लोगों पे जो है इन्वेस्ट मत करें। लगे आपको कि वो गलत लोग हैं तो उनसे आप अपना रास्ता अलग कर लें। ट्रस्ट मी अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत बेहतर सोचा हुआ है, बेहतर इंसान आपकी तरफ आएगा, बेहतर इंसान आपको मिलेगा। तो ये कुछ डिज़ाइन और आर्टिकल्स थे जो कि मैंने सोचा आप लोगों को दिखा दूँ, आपने देख लिए होंगे, पसंद आए तो ऑर्डर कीजिए और मेरा कोड B10 यूज़ करना मत भूलिएगा, ठीक है। वीडियो दिखाने पर आपको 15% और डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग खुशी से भाग भाग हो जाएंगे। कहीं पर आपको इतना डिस्काउंट मिल सकता है जितना डिस्काउंट आपको मैं दे रही हूँ, यानी कि मेरा कोड लगाने पर आपको 10% और ये वीडियो दिखाने पर आपको 15% मोर डिस्काउंट मिलेगा, यानी 25%, और ऑलरेडी वहाँ पे 70% डिस्काउंट जा रहा है। तो ये तो इंसान के लिए जैकपॉट है। तो ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड टेल मी यू ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट और यस। तो व्यूवर्स सभी आइए J.Dot पे और इनकी न्यू कलेक्शन भी चेक कीजिएगा। अच्छा जी, आउट ऑफ सीजन जो है ना स्टॉक उसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है और जो है ना न्यू अराइवल उस पर कोई डिस्काउंट नहीं होता। आप लोगों को जैसे कि पता है कि न्यू अराइवल तो न्यू अराइवल होता है,
ठीक है, तो यहाँ पे मैं और फातिमा चिटचाट कर रहे हैं क्योंकि मेरी और फातिमा की चिटचाट तो चलती रहती है। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आप और अपनी और फातिमा की जितनी भी बातें होती है ना वो ऑन कर दिया करें, मतलब कि जो भी आप बोल रही होती है ना वो रिवील कर दिया करें, लेकिन समटाइम हम लोग जो है ना बुराइयां कर रहे होते लोगों की, तो हम लोग नहीं करते वो ऑन एयर। आप लोगों की कोई बुराई नहीं करते हम लोग, लेकिन हम लोग बस ऐसे ही है, तो हम लोगों को गॉसिप करने से फुर्सत नहीं है। हम लोग जहाँ भी जाते हैं गॉसिप करते रहते हैं, तो इस वजह से वो हम लोग रिवील नहीं करते। यस, हम लोग हमारे लिए तो वो बहुत फनी होती है, हम लोग हंस भी रहे होते हैं उन लोगों को, मतलब कि आपस में हम लोग जो है गॉसिप कर कर के हंस रहे होते हैं, बट ये है कि हम उसको रिवील इसलिए नहीं करते कि कहीं आप लोगों को बुरा ना लग जाए। सो व्यूअर्स, हम लोग लोकेशन चेंज करने लगे हैं, हो गई तुम्हारी तसल्ली अब यहाँ पे है, बताओ। और तुमने ये स्मोक का नहीं कुछ बताया लोगों को सीरियस वे में, मास्क लगा के घूमे बस, यही है सीरियस। नहीं, मैंने तुम्हें देखा है कि तुम्हारा जो बाइट जब तुम आती हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। आजकल मेरा कॉन्फिडेंस, अच्छा एक बात और थी जो हम लोगों ने आप लोगों से करनी थी, हम लोग कहते हैं हम फेस टू फेस आप लोगों से बात करें, कुछ नकली फ़ैन जो होते हैं वो हमारे घर आ जाते हैं, हालांकि वो फ़ैन भी नहीं होते। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं। आजकल हालात नहीं सही, जो डाकू भी होते हैं जो इस तरह करके ना फ़ैन बन गए थे, लेकिन वो फ़ैन नहीं होते वो होते। तो आप इस बात को नेगेटिव वे में बिल्कुल भी ना लीजिएगा कि हम आपको मतलब कि सख्ती से बोल रहे हैं। कहूँगी कि आप इस बात को नेगेटिव ही लीजिएगा, नेगेटिव लीजिए। कैसा लग रहा आपको आपकी जब नहीं जब एक नकली फैन जब आपके घर आया था तो क्या रिएक्शन था? क्योंकि इंसान की अपनी प्राइवेसी भी होती है, इंसान पता नहीं खुश हाल में बैठा है। मॉम वाज वेरी सिक्योर्ड एंड शी, वो बहुत ज़्यादा डर गई क्योंकि वो बहुत सिंपल सी इंसान है, उनको इस मीडिया के ऊपर डर गई। तो यहाँ पे मैंने फातिमा से कहा है कि मेरी ओवरऑल लुक दिखा दे, तो उठी है बेचारी, हिली जुली है, जहाँ जाती है बैठ जाती है, हैर उठ के इसने मेरी ओवरऑल लुक दिखाई है। सो बैठे हुए मेरी ओवरऑल लुक कुछ इस तरह से लग रही है, मैंने आज ऑरेंज एंड प्लस डार्क ऑरेंज कलर का जो है ड्रेस वेयर किया हुआ है, साथ में मल्टी शर्ट का मैंने बैक वेयर किया हुआ है, और मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं येलो कलर की। मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक है और मैं आजकल चूड़ियाँ पहन रही हूँ, लड़की लड़कियों वाली लुक आती है ना कुछ अच्छी लगती है इंसान की। और मैं अपने लिए पजेबे ढूंढ रही हूँ अच्छी वाली, वो मुझे मिल नहीं रही, और ये है मेरे ग्लासेस जो मैं अपने साथ रखती हूँ, और मैं इस पर बहुत प्यारी करती हूँ, माशाल्लाह बोल। सो गाइस, हम लोग इस वक्त जेड ओक के बाय खड़े हैं और हम लोग जो है अंदर जाने वाले हैं, इसे एक्सप्लोर करते हैं और आपसे मिलती हूँ अंदर जाने। अच्छा तो मास्क वगैरह लगा लो, बाय स्मोक है फिर ना, मुझे स्मोक है बहुत ज़्यादा, और मास्क ज़रूर लगाएं। तो अंदर जाके आपको न्यू अराइवल्स दिखाते हैं और इन्जॉय करवाते हैं, आज बहुत ज़्यादा हेल्प फन है, और आप लोगों ने जो चैलेंज कहा है वो भी आज करेंगे। टेप वाला चैलेंज कह रहे हैं जल्द आपका, ये टेप वाला ही चैलेंज आज हम मॉल के अंदर करने हैं। सो व्यूवर्स, इस वक्त हम कब्रिस्तान के बाहर आके पहुंच चुके हैं और तस्वीरें हमने पढ़ ली, आहट छुटी, और ये लाइट जो ब्लिंक कर रही है ना ये इस चीज़ की निशानी है कि इस वक्त हमारे साथ कोई और भी मौजूद है। तो कैन यू इमेजिन, और मुझे अभी लिटरली इस हाथ पे इस शोल्डर पे उसकी फीलिंग भी हो रही है। अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि अंदर किस किस तरह की एंटिटीज मौजूद है, कहते हैं कि यहाँ पाई गई हैं। तो आप लोगों के लिए रिस्क लिया हम लोगों ने, अंदर जाने का ले रहे हैं रिस्क, और इंशाल्लाह ताला अब देखते हैं किसी बूथ से सलाम दुआ लेके ही वापस आएंगे। ऐप हमने इंस्टॉल कर लिया, जहाँ पे वो रेड कलर की ब्लिंक करेगी ना, रेड रेड लाइट आएगी, तो समझे वहाँ पे बूथ है, भूत प्रेत है। अच्छा वो लोग बड़ा ये चल भी रहा है चैनल के अब ड्राएं भूत बन के, तो लेकिन हम भूत बन के नहीं आपको ड्रा रहे, हमें स्पेशली पता चला है कि यहाँ पे एंटिटीज पाई जाती हैं, और अब अल्लाह का नाम लेकर हम अंदर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या बनता है। खैर मुझे बहुत डर लग रहा है, अंदर काफ़ी खौफनाक मंजर है, तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना और मेरे साथ रहना है और दुआएँ करते रहना है कि बस अल्लाह अल्लाह करके अंदर चलते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो।